तो हेलो फ्रेंड, आपके क्लब में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी चाहते हो नए साल पे कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाना और इसमें यहाँ पे अपनी फोटो को लगाना या इसमें मोबाइल नंबर चेंज करना या अपने नाम को चेंज करना, तो कैसे कर सकते हो या किसी भी तरह का एडिटिंग करना चाहते हो बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो, तो ये सब करने के लिए वीडियो को अच्छा से देखना होगा, तभी आप इस वीडियो को देख सकते हो और इस तरह के पोस्टर को बना सकते हो। जैसे कि मैंने 6 दिन पहले आप सबको इस प्रकार के वीडियो दिया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। इस तरह के वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि भाई आपका पासपोर्ट कहाँ है, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई पासपोर्ट क्या है, पासपोर्ट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, तो भाई कमेंट करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो को अच्छा से देखना, क्योंकि वीडियो में ही बताया रहता है कि कितने स्टेप में पासपोर्ट रहता है। तो पासपोर्ट वीडियो को अच्छा से देखो, ऊपर देखोगे तो फिर भी फाइल डाउनलोड लिंक है, तो आपको इस लिंक पर क्लिक करो तो आपको डाउनलोड हो जाए। तो वीडियो को आप अच्छा से देखते हो नहीं और डाउनलोड कर लेते हो, डाउनलोड करने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो वीडियो को अच्छा से देखने के बाद आपको वीडियो में पता चलता है कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इस तरह के पोस्टर को बनाने के लिए आपको वीडियो में 3 स्टेप में पासपोर्ट है, तो वीडियो को अच्छा से देखना तो आप इस तरह के पोस्टर को बना सकते हो। तो इस तरह के पोस्टर को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सल। तो पिक्सल आपको प्ले स्टोर में आने के बाद सर्च कर लेना, जिसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है। इसे इंस्टॉल करने का इसे ओपन कर लेना, और ओपन करते ही इसे ओपन जैसे करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो सारा वीडियो को अच्छा तरह से देखना, यहाँ पे जैसे कि देख लो न्यू टेक्स्ट आ दिख चुका है। तो न्यू टेक्स्ट को आपको करना कुछ नहीं है, तो वीडियो को अच्छा से देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीएलपी फाइल डाउनलोड लिंक, उस लिंक पर क्लिक करके आपको उस पीएलपी फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड जैसे ही करोगे तो यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको पीएलपी फाइल डाउनलोड लिंक है, इस पर क्लिक जैसे ही करोगे तो कुछ इस तरह से पीएलपी फाइल ओपन होगा। अगर ओपन होता है तो आपको पीएलपी फाइल पर क्लिक कर देना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके स्टोरेज पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी वहाँ पे ओपन हो जाएगा क्या, वहाँ पे आपका पिक्सल अब ओपन हो जाएगा। तो पिक्सल आपसे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप बैक बटन से बैक कर दोगे, और बैक करने के बाद कुछ इस तरह से पिक्सल में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसमें आप कुछ भी एडिट करना चाहते हो तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखोगे तभी आप कुछ इस तरह से ओपन कर पाओगे यहाँ पिक्सल ऐप में, क्योंकि वीडियो में पासवर्ड दिया रहता है, तो इस वीडियो में 3 स्टेप पे पासवर्ड है। तो वीडियो को अच्छा से देखो, और तब अगर आपका डाउनलोड है तो कमेंट कर सकते हो कि भाई नाइस वीडियो चाहिए, पिक वीडियो चाहिए, कुछ भी कर सकते हो। अगर ना नहीं अगर डाउनलोड होता है तो आप हम भी कमेंट कर सकते हो कि भाई आपका पासपोर्ट कुछ है तो चाहिए नहीं है। तो आप ये सब करने के लिए वीडियो को अच्छा से देखना होगा, तभी आप कुछ इस तरह के पोस्टर को बना सकते हो और इसमें एडिट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी फोटो को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि ये देख रहे हो, तो अभी यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करोगे, किसी भी चीज को सिलेक्ट करोगे तो नहीं होगा। तो नहीं होने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से बहुत सारे देख रहे हो कि जैसे लॉक हो चुका है, तो लॉक को अनलॉक कर देना है। लॉक को जैसे कि फोटो को चेंज करना है तो फोटो पर क्लिक करके और इसे इस पर फिर से क्लिक कर देना। और जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि अपनी फोटो को सिलेक्ट हो चुका है, सिलेक्ट होने के बाद इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो इस पे क्लिक कर देना है। तो बहुत सारे यूट्यूबर के देखे होंगे तो आपका वीडियो तो बहुत सारे इस तरह वीडियो देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, तो अपनी फाइल को सिलेक्ट करने का, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी किसी भी फोटो को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे कि मैं अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि इस तरह की फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब का वीडियो तो आपको देखने को मिला हुआ कि यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करो और कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे देख लो कि मैं जो पीछे से फोटो ऐड हो चुका हो रहा है, तो बहुत सारे यूट्यूब का आपको ऊपर से ही फोटो देखने को मिलेगा कि ऊपर से ही फोटो ऐड करने को बताता है। तो वीडियो आप अच्छा से देखोगे तो इसीलिए मैं आप सबको कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो आपको यहां पे बहुत ही ओपी ओपी वीडियो देखने को मिलता है, जो कि आपको पोस्टर बनाने में हेल्पफुल लगे। तो मैं आपकी सुविधा के लिए पीएलपी फाइल डाउनलोडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, और कुछ इस तरह से आपकी फोटो को एडजस्ट कर लूंगा। जैसे कि यहां पे देखो कुछ भी नहीं लग रहा है कि कहां से एडिट किया हुआ है, तो आप इस तरह से बना सकते हो। अगर इसमें नाम को चेंज करना चाहते हो तो फिर से आपको क्लिक करना है कुछ इस तरह, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो जैसे कि यहां पे देखो क्लिक करते ही यहां पे अपनी नाम को चेंज करना चाहते हो तो यहां पे नाम को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि यहाँ पे अपनी नाम है तो यहाँ पे इसको अनलॉक करके यहाँ पे अपन को जो भी कुछ यहाँ पे फिर क्लिक करके यहाँ पे अपनी नाम को जहाँ पर भी कुछ लिखना है यहाँ पे अपनी नाम को लिख सकते हो, उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना। तो जैसे ओके बटन पर क्लिक करो तो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अगर इसमें किसी भी तरह के एडिटिंग करना चाहते हो तो आप एक्चुअली आसानी तरीका से कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊँ कि अपनी फोटो में कुछ इस तरह के कवर लगाना चाहते हो, तो कवर लगाने के लिए इस फोटो को सिलेक्ट कर लें। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टॉक वाले बटन पर चले जाना है, और स्टॉक वाले बटन पर इसे इनेबल कर दोगे। इनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से जो भी कलर रखना चाहते हो और रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिखा दो, तो ये आपकी फोटो पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट, जो भी कलर लगेगा वो कर सकते हो। तो जैसे कि ये रेड रखना है उसका सही वाले बटन पर क्लिक कर दो, तो ये जैसे कि देख रहे हो ये बहुत ही ओपी तरीके से आपकी पोस्टर बन चुका है, जो कि पूरे फुल एचडी क्वालिटी में। और इसे डाउनलोड करने के लिए आपको शेयर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही शेयर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ से आपका कस्टम है तो सिलेक्ट होता है, यहाँ पे आपको अल्ट्रा सिलेक्ट कर लेना है, अल्ट्रा ओपी क्वालिटी होता है, तो इसलिए अल्ट्रा को सिलेक्ट करने का आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे करोगे तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सेव करना हो तो कुछ इस तरह से लेगा और यहाँ पे आपकी गैलरी में सेव हो रहा है। तो सेव होने के बाद आपको वहाँ पे कहीं पर भी शेयर कर सकते हो इस पोस्टर को। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी तरह के पोस्टर को लिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि अगला कौन सा पोस्टर बनाओ, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब।
के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।